The rest of the people, and that leads to overconfidence in his decision making. And then another type of over overconfidence, which the investors or the decision making about the decision makers about investment um, go for or experience, is that they think that we are very smart. our hum, ability. Hai, उस जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस पर जो उसकी बेसिस पे जो डिसीशन मेकिंग हम कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर है तो दीज कुड बी द टू फैक्टर्स जिसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर्स के अंदर और ऐसा करने से क्या होता है उस ओवर कॉन्फिडेंस को मद्देनज़र रख के फिर वो डिसीशन लेते हैं वो समझते हैं हमने जो फैसला किया वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एक एवरेज इन्वेस्टर के और इससे हमें जो रिटर्न मिलेंगी या जो फ़ायदा होगा या प्रॉफिट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा सो so, इस ओवर कॉन्फिडेंस के फैक्टर की वजह से बायस आ जाती है जो आउटकम है जो भी हमारा डिसीशन मेकिंग है प्रोसेस है वो रैशनल नहीं होगा तो दैट इज़ दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द इन इवेंचुअली वे देर आर अ नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़ जो कि इन्वेस्टिगेट जिन्होंने किया कि जो ट्रेडर्स का ओवर कॉन्फिडेंस है वो इवेंचुअली उनको नुकसान की तरफ लेकर जाता है और वो बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब तरीके से अपने पोर्टफोलियोस को डाइवर्सिफाई करते हैं इन अनदर स्टडी देर आर द डेटा वाज़ कलेक्टेड फ्रॉम टेन थाउजेंड क्लाइंट्स एंड इट वाज़ फाउंड आउट के जो जित उन्होंने जो फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग किया था कि इससे हमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिलेंगी ऐसा इवेंचुअली नहीं हुआ तो इसी तरह से इसी चीज़ को फॉलो करते हुए देर आर अ नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि अगर इन्वेस्टर्स में ये कॉमन बात है कि वो इन्फॉर्मेशन की को कलेक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और दैट कैन लीड टू अ बायस इन देयर डिसशन मेकिंग और देर इज़ अनदर स्टडी जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया रिसर्चर्स ने कि दे ओवरऑल टुक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर जो बेसिस उन्होंने दिखाया था कि हमारा जो हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे या एक्टिव इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमारे जो रिटर्न हैं वो मार्केट की रिटर्न से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे लेकिन एक्चुअली जब हमने देखा कि वो उनको उतना जितना वो प्रॉफिट समझ रहे थे आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कि हम इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे उससे उन्होंने काफ़ी लेस मनी इवेंचुअली जनरेट किया तो अब इस बायस को हटाने के लिए या ओवरकम करने के लिए या अवॉइड करने का क्या तरीका है उसका सबसे एक हल ये है कि आप लेस ट्रेड करें और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें यानी कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट से एक्टिव इन्वेस्टर होने की बजाय आप पैसे इन्वेस्टर हो जाए कि फ्रिक्वेंट जो आप ट्रेडिंग है वो नहीं करें और इन्वेस्ट करें ज़्यादा और इनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के वी नीड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट कि जो हम uh, जब हम बिजनेस करते हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें देर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू अकाउंट फॉर और जितना बेहतर डेटा होगा उतना ज़्यादा आप बेहतर तौर पे अपने ज़्यादा हायर रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं एंड दैट विल आर टू योर एक्सपीरियंस आल्सो सो यू नीड टू यूज़ बेटर डेटा एंड एक्सपीरियंस इंस्टेड ऑफ सिंपली कंसिडरिंग के जो वटवर इन्फॉर्मेशन आया आया है अब उसकी बेसिस के ऊपर मैं ज़्यादा बेहतर डिसीशन कर सकता हूँ या मार्केट को बीट कर सकता हूँ सो so उससे आपके जो डिसीशन है वो बायस हो जाती है और उस बायस में हम ओवर कॉन्फिडेंस बायस उसको बोलते हैं बिकॉज़ ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से आपने वो गलत फ़ैसले लिए हैं नाओ इफ़ यू इंक्रीज द टाइम फ्रेम ऑफ या विंडो ऑफ़ योर इन्वेस्टमेंट और आप ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ को अकाउंट फॉर करेंगे और जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट तरह के डिविडेंड्स की रिटर्न्स की उस डेटा को आप काउंट फॉर करेंगे तो इट विल हैव अ बेटर आउटकम इन इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यूज विच यू विल बी अर्निंग इंस्टेड ऑफ़ गेटिंग इन टू दिस हेस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सेलिंग एंड ट्रेडिंग सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स या जो भी आप बॉन्ड्स या कुछ भी आप एक्टिव ट्रेडिंग करेंगे तो उससे आपको नुकसान होने का अंदेशा हो सकता है सो so, इस चीज को ओवरकम करने के लिए वी नीड टू वेट एंड एनालाइज थिंग्स प्रॉपरली एंड देन टेक द डिसीजंस